दोस्तों, BNB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम बात करेंगे एक्टर कपिल निर्मल के बारे में। कपिल निर्मल को कौन नहीं जानता, एक से एक बढ़कर टीवी शो में काम किया है। चाहे राजा की आएगी बारात में कुंवर युधिष्ठर हो या वीरा में निहाल सिंह। वीरा की अगर बात करें, शो लोगों ने काफी पसंद किया था। निहाल सिंह का किरदार बिल्कुल हटके था। वीरा में एक अलग छाप छोड़ी थी कपिल ने। अभी फिल्म वेदा में जॉन इब्राहिम के साथ काम किया है। इसमें एक पुलिस वाले का किरदार है। हमने कपिल से खास बात की, जानिए क्या है खास मुलाकात। कपिल को पुलिस वाले का किरदार क्यों पसंद है, वर्दी पहनना क्यों पसंद है, और संघर्ष की कहानी, जयपुर से मुंबई तक का सफर कैसा रहा, क्यों शर्माते हैं कैमरे से, क्या बनना चाहते थे, रातों रात कैसे हीरो बन गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें। फिल्म का ऐसा बनना एक स्वप्न जैसा होता है और मेरे लिए भी कुछ वैसे ही था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और सभी लोगों के साथ काम करके बहुत ही आनंद। सर, वेदा में लोगों की काफ़ी टाइम चला जाता है बड़े पर्दे तक आने के लिए, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी? टाइम तो सर मेरा भी गया, मेरा भी बहुत टाइम गया है, 18-20 साल लग गए अगर इस तरह से देखा जाए। और किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है और अपने आप को परिपक्व करना पड़ता है, जिससे कि जब आप सामने आए दर्शकों के उस बड़े पर्दे पर उस फिल्म में तो अच्छे लगे और जो आपको ले रहे हैं उस किरदार के लिए जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया है उनको पछतावा ना हो। तो आपका आपके साथ जो भी होता है कई बार कुदरती तौर पे उसको हम एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो जो हो रहा है उसको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। सर, आपका किस तरह किरदार है उसमें वेदा की अगर आपसे बात करें? पुलिस वाला है और उसकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं हर इंसान की और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से वो किन लोगों का साथ देता है बस वही है उसका कहानी। इसके लिए आपने कोई वर्कशॉप किया पुलिस वाले कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए क्या है? नहीं, वर्कशॉप हमने नहीं की, हमने डेफिनेटली काफ़ी रीडिंग्स की और कहानी को बार बार पढ़ा और मुझे अच्छे से मुझे ये अच्छा लगा कि किसी ने मुझे कहा कि आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आप अपने किरदार को और भी समझेंगे, तो उसमें एक्चुअली वो बहुत हेल्पफुल रहा। मैंने काफ़ी बार अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ा और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला और अल्टीमेटली जो आप देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है। सर, पुलिस वाले किरदार की बात करें, चाहे चुलबुल पांडे हो या सिंघम हो, एक छाप छोड़ के जाता है, तो आपका जो किरदार है कौन से ऐसे डायलॉग है जो लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा? जो देखिए, अभी जो आपने दो बात की ना, सिंघम और दूसरा चुलबुल पांडे, यस, अब देखिए वो मुख्य किरदार, उनके पास डायलॉग्स की भरमार थी, हमारा जो किरदार है वो सपोर्टिंग किरदार है और उसके पास डायलॉग्स थे पर मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि यार अगर कुछ कैची होगा ना तो पब्लिक अपने आप, दर्शक अपने आप उसको पकड़ लेते हैं, अगर वो इतना कैची नहीं होगा तो उसको दोहराने से कोई मतलब नहीं है। सो आई हैड माई लाइन्स बट आई वुड नॉट से कि मेरे पास कोई वो पंच लाइन्स बहुत ज़्यादा थी, ऐसा था नहीं, कोई पंच लाइन नहीं थी आपके? पंच लाइन ज़्यादा नहीं होंगी भी पर ज़्यादा नहीं। कहीं ना कहीं डर था यार पुलिस वाले किरदार निभा पाऊंगा कि नहीं? नहीं, टीवी की शुरुआत भी पुलिस वाले से ही थी। ये तो कोइंसिडेंस था कि यार टीवी की शुरुआत भी पुलिस वाला और फिल्म की शुरुआत भी पुलिस वाला, तो कुदरत का एक अजीबोगरीब इशारा है शायद। एक्सेप्ट सर, कोई ऐसा वाक्य शेयर करेंगे जो जो उनके साथ हो दर्शकों को बताना चाहेंगे? जॉन सर बहुत मस्त आदमी है और खुल के बात करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो बात करते हैं तो ये सोचते नहीं हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है,
वो कहाँ तक जा सकती है। शायद उनको पता होता है कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो बंदा ट्रस्टवर्थी है, तो शायद इसलिए वो बात करते हैं, क्योंकि अनुभव तो है ही उनको। और जहाँ तक काम की, बहुत तारीफ करते थे जब भी मौका मिलता था, अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेट करते थे। और जो कि बड़े और एक्सपीरियंस डायरेक्टर को करना भी चाहिए, जिससे कि जो नए कलाकार हैं उनको अपना मोटिवेशन मिलती है। सो उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया सच में। सर, गुलाबी नगरी से यहाँ तक जो है पहुँचने के लिए कितना टाइम लग गया? एक लड़का जयपुर से निकलता है और एक बड़ी फिल्म की बात करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा कि उद्देश्य तो यही था कि एक्टर बनना है, ये पता था मुझे। पर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि मुझे एक साल में, दो साल में, पाँच साल में करना है। बिकॉज मैं अपना काम कर रहा था, अपने जॉब्स करता था, तो मैं उसमें खुश था। और बम्बई जब आप आते हो एक छोटे शहर से, अब तो छोटा नहीं है पर तब, तो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर किया, तो उसमें बहुत सारा समय निकल गया। और मुझे तो कोई अफसोस नहीं, टाइम तो लगता ही है। देखिए, कोई भी चीज़ आप करेंगे उसके लिए टाइम तो लगता है। सर, आप किसी, हम सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगे, आप किसी बड़े ऐसी बॉलीवुड फैमिली से नहीं हैं जी, शाहरुख सलमान या किंग खान से, तो यहाँ तक अगर बात करें कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको यहाँ तक पहुँच? मेहनत करनी पड़ती है साहब, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मानिए, मेहनत देखिए, अपना डंका खुद नहीं बदल सकते आप, मेहनत सब करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और मुझे तो लगता है कि जब आपके पास, सबसे बड़ा जो हमारा फ़ायदा होता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता।